लेट्सार्ट विद क्वेश्चन नंबर फाइव इट्स इज अ कंटेनर शेप लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर ट्वेल्व सेंटीमीटर एंड हाइट फिफ्टीन सेंटीमीटर इज फुल ऑफ आइसक्रीम तो हमारे पास एक कंटेनर है जो आइसक्रीम से पूरी तरीके से भरा हुआ है और उस कंटेनर के डायमेंशंस क्या हैं डायमीटर इज देअर विच इज़ ट्वेल्व हाइट इज देअर विच इज फिफ्टीन तो लेट से दैट एच इज़ फिफ्टीन इन दिस केस एंड रेडियस इज सिक्स सेंटीमीटर ठीक है रेडियस भी है हमारे पास हाइट भी है हमारे पास द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इन टू कोन्स ऑफ हाइट कोन्स में हमें फिल करना है हमें और कोन का उन्होंने क्या बोला कि उसके ऊपर एक हेमास्फेरिकल शेप होना चाहिए जैसे आइसक्रीम होती है कोन होता है नीचे और ऊपर क्या होता है हमारे पास एक हेमास्फेरिकल सा शेप होता है टॉप वाला ठीक है अब इसके बाद इन्होंने इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है दैट कोन की जो हाइट है इट इज़ अबाउट ट्वेल्व सेंटीमीटर ये हो गया आपका ट्वेल्व और डायमीटर कितना दिया हुआ है हमें सिक्स इसका मतलब रेडियस आर डैश ले लेते हैं थ्री सेंटीमीटर एंड एच डैश ट्वेल्व सेंटीमीटर अब हमें यहाँ पे क्या करना है फाइंड द नंबर ऑफ कोन्स सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम तो यहाँ पे ना ध्यान से सुनो एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए हर क्वेश्चन में यही यूज़ होता है देखो एक तो हमारे पास है बड़ी वाली चीज़ जिसमें से हमें निकालना है और किस में प्लेस करना है कोन्स में तो कौन तो बहुत सारे फिल किए जा सकते हैं इससे तो एन नंबर ऑफ कॉन्स होंगे ना तो इसका मतलब क्या हुआ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू एन इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन जो भी वेरिएबल होता है ना उसके साथ एन लगा दो या एक्स लगा दो जो भी आपका मन है जो भी वेरिए वेरी हो सकता है कौन सी वैरी हो सकते हैं इसमें ये तो होगा नहीं कि कंटेनर्स लाएंगे बहुत सारे हम और फिर आइसक्रीम्स भरेंगे उन्होंने बोला एक ही कंटेनर है उसी में से आपको बहुत सारे कॉन्स फिल करने तो एक छोटी सी ट्रिक है सॉल्व करने की अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यहाँ पे क्या होगा इट इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच पाए की वैल्यू एज इट इज़ रखूंगी क्योंकि वो बाद में कैंसिल हो सकती है अब वॉल्यूम ऑफ कोन और यहाँ पे क्या है साथ ही साथ में वॉल्यूम ऑफ हेमस्फेयर भी है दोनों को ही हमें ऐड करना होगा ना अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच होता है तो लेट मी जस्ट पुट फर्स्ट एन इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है वन बाय थ्री पाई आर वन सॉरी आर डैश लिया ना हमने तो आर डैश ही लिखेंगे आर स्क्वायर एच डैश स्क्वायर सॉरी नॉट स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ़ हेमस्फ्यर वॉल्यूम ऑफ हेमस्फ्यर इज टू बाय थ्री पाए आर डैश क्यूब इज इक्वल टू पाए आर स्क्वायर एच अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं और पाए को कैंसिल आउट कर सकते हैं क्योंकि पाए इज एवरीवेयर पाए आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू एन इन टू पाए कॉमन हूँ मैं यहाँ से ये यह जो ब्रैकेट वाला पार्ट है पाए इज कॉमन थ्री इज कॉमन और या आर डैश स्क्वायर इट इज एच डैश प्लस आर डैश क्यूब एंड टू एज वेल टू आर डैश क्यूब तो यहाँ पे हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आ गई हैं अब यहाँ पे हम पाए से पाए भी कैंसिल कर सकते हैं और बस हमें अब वैल्यूज अपनी सब्सिट्यूट करनी है यहाँ पे सो आर स्क्वायर है विल बी सिक्स स्क्वायर एच कितना है आपका फिफ्टीन इज इक्वल टू एन एन ओवर थ्री इन ब्रैकेट आर डैश स्क्वायर इज थ्री स्क्वायर इन टू एच डैश विच इज ट्वेल्व देन लास्ट में आपका कितना आएगा टू इंटू आर डैश क्यूब आर डैश क्या है हमारा थ्री का क्यूब अब हम वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे एंड विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एन सो दैट देट मीन सब्सिट्यूट द वैल्यू देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन सो सिक्स डैश सिक्स स्क्वायर इन टू फिफ्टीन इज इक्वल टू एन इन टू इट वॉज जस्ट अ सेकेंड एन ओवर थ्री था एक तो हमारे पास एंड थ्री स्क्वायर इंटू ट्री स्क्र इंटू वी हैड आई थिंक टू टू इंटू थ्री क्यूब ओके नाउ विल सॉल्व द ब्रैकेट पार्ट टू इंटू थ्री क्यूब ब्रैकेट पार्ट सॉल्व कर लो और क्रिस्ट क्रॉस मैथड यूज कर लो सो दैट यू कैन फाइंड द नंबर ऑफ कॉन्स विच कैन बी फिल्ड विद द आइसक्रीम सो सिक्स स्क्वायर इंटू फिफ्टीन थ्री ऊपर जाएगा हमारा और ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारी राइट right साइड पे चली जाएगी सॉरी लेफ़्ट साइड पे चली जाएगी थ्री स्क्वायर इंटू ट्वेल्व प्लस टू इंटू थ्री क्यूब इज इक्वल टू एन तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे सिक्स स्क्वायर फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स इंटू फिफ्टीन इंटू थ्री इट विल गिव यू वन सिक्स टू ज़ीरो सिमिलरली नीचे वाले को भी ब्रेक डाउन कर लेते हैं इसका नाइन इंटू ट्वेल्व है हमारे पास विच इज़ वन हंड्रेड एट एंड वन हंड्रेड एट प्लस टू इंटू थ्री का क्यूब थ्री का क्यूब कितना होता है ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन को टू से मल्टीप्लाई कर देंगे सो दिस इज़ वन सिक्सटी टू फॉर यू सो नाओ यू कैन डिवाइड बोथ ऑफ दैम वन सिक्सटी टू से वन सिक्स टू जीरो कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट टेन विच इज़ टेन नंबर ऑफ कॉन्स कैन बी फिल्ड with the ice cream right so yes this is your answer for question number five now moving to sixth one